शरीर में पानी की कमी होने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको डिहाइड्रेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। डिहाइड्रेशन गर्मी के मौसम में ज्यादा होता है। गर्मियों में अक्सर आपने गौर किया होगा कि ज्यादा समय तक पानी ना पीने से आपको हल्का सर में दर्द होता है। ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। पानी हमारे शरीर में पाचक क्रिया, सलाइवा बनाना, हार्मोन्स बनाना और सही तापमान बनाए रखने में मदद करता है। किडनी को सही ढंग से काम करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। हमें प्यास लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए और दिन में कई बार पानी पीना चाहिए। जाने डिहाइड्रेशन के कारण, जैसे कम पानी पीना, उल्टी, दस्त, ज्यादा पसीना आना, तेज बुखार, डायबिटीज जिसमें बार बार पेशाब लगती है। जाने डिहाइड्रेशन के लक्षण, सर में दर्द होना, थकावट महसूस होना, मुंह सूखना, भूख ना लगना लेकिन मीठा खाने की इच्छा होना, मांसपेशियों में दर्द, पैरों में सूजन, कब्जियत होना, गर्मी ना बर्दाश्त कर पाना, डार्क कलर की यूरिन होना, दिल की धड़कनें तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना, ये सभी डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। डिहाइड्रेशन आपको मानसिक व भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। पानी कम पीने की वजह से हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, आप चिंतित रहते हैं। गर्मी में आपको आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम खाने से डिहाइड्रेशन होता है? जाने आप कैसे डिहाइड्रेशन से बचाव कर सकते हैं। दिन में बहुत बार पानी पिएं और हमेशा अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर चलें। दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज के पहले अथवा बाद में पानी जरूर पिएं। सोडा एवं अल्कोहल से परहेज करें। गर्मियों में नींबू का शरबत जरूर पिएं। सूप पिएं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। फल खाएं। खाने में सैलेड जरूर खाएं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीने के साथ आप फल खा के भी शरीर में पानी की कमी को दूर कर सकते हैं, जैसे तरबूज, संतरा, आड़ू, ककड़ी, नारियल पानी, टमाटर, सेब। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के कुछ खास उपाय जाने कैसे। दही की लस्सी जरूर पिएं। छाछ, आम का पना, नारियल पानी, नींबू का शरबत, बेल का शरबत, सत्तू, खरबूज का शेक, मैंगो शेक। आप इन ड्रिंक्स में बर्फ का उपयोग कर सकते हैं। इनसे ना सिर्फ शरीर में पानी की कमी दूर होती है परंतु शरीर को ताकत भी मिलती है। गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए भी आपको कई बार पानी पीना चाहिए। पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती। पानी पीने से शरीर के हर अंग को उसके काम करने में ताकत मिलती है। इसीलिए अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें और दिन में कई बार पानी पिएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।